कि जब मैं देखता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ ये जो इंडिया अलायंस तैयार हुआ है, इसके एक नेता स्टालिन वो वहां चेन्नई में बोलते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, उसके बारे में वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ये मलेरिया, डेंगू और ये कोविड जैसा है। कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी का बेटा प्रियांक खरगे, जो कर्नाटक का मंत्री है, वो भी कहता है ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म, ये मलेरिया और डेंगू जैसा है, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो मैं राजस्थान वालों को पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी पार्टी को आप सत्ता पर रखोगे? अरे जो सनातन का नहीं वो किसी का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, जो श्याम का नहीं वो किसी का नहीं। और अगर यहाँ पर इनके मनसूबे ये सनातन को मिटाने के हैं, तो आज कसम खाइए कि कांग्रेस के नेताओं को राजनीति से मिटाकर ही अब हम दम लेंगे। सनातन की ताकत क्या है, सनातन का दम क्या है, ये एक बार हम कांग्रेसियों को दिखाएंगे।